गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में जो आज जैसे नेम आता है उसको लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं जो आपके एग्जाम में हर साल 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसको आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से इसको रिप्लाई करेंगे, हम आपको फिर से वीडियो बना के भेज देंगे। चलिए देखिए, हम आपको आज जैसे नेम लिखने के पहले कुछ कार्बन के बारे में जानते हैं। एक तत्व है कार्बन, जिसका संकेत होता है सी, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो होता है 1s2 2s2 2p6। तो आप 2p2। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो पी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इसलिए कार्बन क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको यहाँ आज जैसे नेम में यह ध्यान देना है, यह ध्यान देने की बात है कि आपको कहीं भी कार्बन अगर दिखेगा तो वह हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो चाहे वह सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे डबल बॉन्ड बनाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो तीनों प्रकार के बॉन्ड को बना सकता है। यानी कहने का मतलब है हमारे जो कार्बन है वह सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब देखिए, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। यदि मान लीजिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखिएगा 4 बॉन्ड किस तरह बना सकता है। कार्बन इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से एक जुड़ सकता है, एक यहाँ से भी जुड़ सकता है, एक यहाँ से भी जुड़ सकता है। अगर कार्बन डबल डबल बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड इस तरह हो सकता है, एक बॉन्ड इस तरह भी बना सकता है। इस तरह हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 चार बॉन्ड यहाँ भी बना रहा है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है 1 2 3, अब यहाँ भी देखिए इस प्रकार आपका कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप देख रहे हैं कार्बन हमेशा चाहे जहाँ रहेगा, जब आपका आईपीएससी नेम लिखा जाएगा तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार आप देखिए हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन जिसका संकेत होता है अध्यक्ष का परमाणु एटॉमिक नंबर जो होता है वह 1 होता है। अब यदि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं तो वह नंबर 1 होता है। अब देखिए, हाँ हम सभी लोग जानते हैं कि यह सबकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेकिन है कितना, एक ही है। इसलिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए वह इसे एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वह साझा करता है एक दूसरे से और अपने अष्टक को पूरा करता है। इसी प्रकार अब देखिए कार्बन है, तो कार्बन के पास बार कोश में कार्बन हमेशा देखिए 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन के पास बार कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है और एक एक इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन के बार कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखिए, हम लोग आते हैं आरपीएससी में लिखने के लिए। तो अगर कहीं भी आपको एक कार्बन मिलेगा, एक कार्बन कहने का मतलब सी वन का मतलब होता है मेल, सी टू मतलब दो कार्बन का नाम होता है एक, सी थ्री का मतलब होता है 3 कार्बन, इसका नाम होता है प्रोब, सी फोर का मतलब होता है 4 कार्बन, इसका नाम होता है ड्योड, सी फाइव का मतलब है 5 कार्बन का नाम होता है
इसी प्रकार आगे आगे देखते हैं सी सिक्स। सी सिक्स का मतलब होता है छह कार्बन, जिसका नाम होता है हेक्स। सी सिक्स बाद सी सेवन, सी सेवन का मतलब है सात कार्बन, सात कार्बन का नाम होता है हेक्स। सात सी एट, सी एट का मतलब आठ कार्बन, आठ कार्बन का नाम होता है आ। सी नाइन, सी नाइन का मतलब होता है नाइन को नौ कार्बन, इसका नाम होता है लोन। सी टेन, सी टेन का मतलब है दस कार्बन, दस कार्बन का नाम होता है। तो आपको आप इसी नेम लिखने के लिए इन नामों की आवश्यकता पड़ती है, आपको इसको याद रहना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो इसको आप स्क्रीन पर ले सकते हैं। अब देखिए हम आपके बता दे जा रहे हैं आपको कि आप इसी नेम लिखा कैसे जाएगा। चलिए अब देखिए कार्बनिक यौगिक में आईपीएससी नाम लिखने के लिए मुख्य तीन नियम हैं जो आपको बोर्ड पर लिखा गया है। तो सबसे पहला नियम आता है कि सबसे पहले हम कार्बन की संख्या की गिनती करते हैं। यानी यदि आपको कोई कार्बनिक यौगिक दिया गया है और उसका हमें आईपीएससी में लिखना है तो सबसे पहले हम कार्बन की संख्या की गिनती करते हैं। दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में हम गिनती उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बनिक यौगिक में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, तो हम उसकी काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं जिससे डबल या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है। तो चलिए देखिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं कि इनका कैसे हमको आईपीएससी में लिखने में प्रयोग करना है। चलिए देखिए यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल आपको समझाने देखिए पहले मान लीजिएगा हमको कह दिया जाए इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। जो पहले हमने आपको तीन नियम बताए कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए हम कार्बनिक पहले नंबर हम कार्बन यौगिक कार्बन की संख्या लिखेंगे। अब यहाँ कार्बन की संख्या हम लिखते हैं, उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। हमने जैसा कि आपको पहले बनाया है कि कार्बन जो है अपना स्टेप पूरा करने के लिए चार बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए हम देखते हैं कि कार्बन अपना चार बॉन्ड बना रहा है। देखिए वो दो तीन चार, यहाँ देखिए एक दो तीन चार, यहाँ देखिए इस कार्बन को वन टू थ्री फोर, यहाँ देखिए एक दो तीन चार। यानी हमारा एक जो कार्बनिक यौगिक का नाम लिखा गया है सही है, सब जगह हमारा कार्बन जो है चार बॉन्ड बना रहा है। अब हम बता रहे हैं आपको जो आईपीएससी में लिखने का नियम है, सबसे पहला नियम हम बताएं कि हम कार्बनिक यौगिक की कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या गिनेंगे और कार्बन की संख्या उस तरफ से गिनेंगे जिधर से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा। लेकिन हमको यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम इसका आईपीएससी में नहीं है कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसका आईपीएससी में नहीं होगा। उसका भी आप देखिए क्या होगा, यहाँ सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे। यहाँ देखिए हमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसमें कार्बन की संख्या चाहे इस तरफ से करें चाहे उस तरफ से करें, कार्बन की काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से हमको सबसे लंबी चेन मिलेगी। तो देखिए पहले हम यहाँ से शुरू कर लें तो वन टू थ्री फोर, इधर से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं कार्बन की संख्या को हमको सबसे लंबी चेयर मिल गई है तो चार की आगे मान लीजिए इधर से शुरू करें वन टू थ्री फोर। तो चाहे हम दाएँ तरफ से करें या बाएँ तरफ से करें दोनों तरफ से कार्बन की संख्या चार दिखाई दे रही है। तो हमारा कहने का मतलब इधर से चार
जिस तरफ से करें चाहो, जहाँ साइड से करें चाहो, जहाँ साइड से करें, चारों की जो सबसे लंबी चेयर मिल रही है वह हमें चार है। तो हम बताएं आपको, आज किसी ने लिखे पहले बताएं कि कार्बन का हमको नाम यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे ना हुए दो तीन चार, तो चार कार्बन का नाम क्या है? ड्यूट। हमने चार कार्बन को आपको पहले बताया है, चार कार्बन का नाम ड्यूट है। अब यहाँ देखिए सही कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो जब आपको सिंगल बॉन्ड दिखा देगा तो आप उसमें एन जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए? एन। तो ड्यूट में प्लस एन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेन। क्या होगा इस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा ड्यूटेन। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, सभी कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अब वही काम करेंगे कि कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कार्बन की मैक्सिमम संख्या कितनी है, और काउंटिंग उस तरफ से करेंगे कि 10 से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, लेकिन इस कार्बनिक यौगिक में भी आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो चाहे हम राइट साइड से करेंगे चाहे लेफ्ट साइड से करेंगे, कार्बन की संख्या हमको समान मिलेंगी। हम पहले कार्बन की संख्या को गिन लेते हैं, 1 2 3, चाहे राइट साइड से करें चाहे लेफ्ट साइड से, 1 2 3, यानी हम काउंटिंग चार दस से करेंगे, हमारी जो संख्या मिल रही है कार्बन की मैक्सिमम चार, तीन मिल रही है, तो तीन कार्बन का नाम क्या होता है? रो। तीन कार्बन का नाम रो होता है, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड है तो हमको क्या जोड़ना है? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रो एन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? प्रोपेन है। चलिए अब देखते हैं यह कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी कार्बनिक यौगिक डबल बॉन्ड से जुड़ा। फॉर एग्जाम्पल देखिए संख्या उस तरफ से गिनेंगे जिधर से हमारा बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, तो देखिए कार्बन की संख्या इधर से काउंटिंग करते हैं, इधर से हमारी कार्बन की संख्या जो डबल है डबल बॉन्ड जो है वह नजदीक पड़ता है। अगर मान लीजिए हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो कार्बन नंबर हुआ 2 3 4, इधर से हम देखते हैं कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन से आ रहा है, अगर हम दाएं साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, अब इधर से भी हम देख रहे हैं कार्बन की संख्या काउंटिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वह दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है, यानी कि हम चाहे दाएं साइड से करें या तो बाएं साइड से करें, हमारा जो कार्बन की संख्या वह समान है, यानी कि हमारा डबल बॉन्ड मिल रहा है वह दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की कार्बनिक यौगिक का आईपीसी में लिखते समय हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं जिधर से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। तो यहाँ देखिए हमको मिला, चाहे लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं चाहे राइट साइड से कर रहे हैं, जो हमारा डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आईपीसी में लिखने के लिए पहला नंबर हम कार्बनिक यौगिक के नंबर की संख्या लिखते हैं जिससे कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि दूसरे वाले कार्बन में हमारा डबल बॉन्ड है, तो पहले नंबर साइन हो गया, क्योंकि यहाँ हाइफन लगा है,
अब इसको आर पर यहाँ माइनस नहीं पड़ेगा, यहाँ आर पर पड़ेगी। अब इसके बाद आप कार्बन की स्पॉन्टिंग कर लीजिए, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन का नाम आपको क्या होता है, ब्यूट, क्या होता है यार, ब्यूट। अब यहाँ देखिए आपको दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो आपको कहेंगे अगर डबल बॉन्ड मिले तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एल। तो इस तरह हमारा नाम हो जाता है टू जाएगी ना, आप उस पे से क्लिक करेंगे, ठीक है, जो so, इस तरह हमें कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना है। यदि आपको किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरा एग्जांपल देखिए, एक बार और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि मेरा आईडी यहाँ डालना होगा, क्या ईमेल आईडी पासवर्ड पर डालना है, यहाँ देखिए यदि आपको एक कार्बनिक यौगिक है, इसको हम इस तरह या तो स्ट्रक्चर फॉर्म मिला, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसमें भी आपको डबल बॉन्ड आया है, अब इसका आरकेसी नाम लिखने के लिए हम आपको पहले ही बताया कि कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे, जिधर से कार्बन, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, यदि हम इसकी काउंटिंग लेफ्ट साइड से यानी बाएं साइड से करते हैं तो देखते हैं डबल बॉन्ड हमारा किस कार्बन से जुड़ा होगा, तो देखिए कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से देखते हैं कि कार्बन में जो डबल बॉन्ड है हमारा दूसरे वाले से मिला है, तो इधर से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव। इधर से काउंटिंग अगर हम बाएं साइड से कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं पहले दूसरे तीसरे, तीसरे नंबर से हमारा काउंटिंग है। अब देखिए इधर से, इधर से काउंटिंग करेंगे, हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से आपका डबल बॉन्ड नजदीक हो, तो हम बाएं साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पर मिल रहा है डबल बॉन्ड, और दाएं साइड से कर रहे हैं तो तीसरे, तीसरे कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो हमारा काउंटिंग किधर से सही होगा, दूसरे वाले में, यानी हम जब काउंटिंग इसको बाएं तरफ से करेंगे तो हमारा दूसरे नंबर पर मिल रहा है, तो हमारा काउंटिंग दूसरे नंबर पर सही होगा, और यहाँ अगर दाएं साइड से करेंगे तो हमारा गलत है, क्योंकि जो कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, वह यहाँ पे तीसरे नंबर पर मिल रहा है तीसरे कार्बन से, और अगर बाएं साइड से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पर मिल रहा है, तो दूसरा नंबर हमारा नजदीक है, इसलिए हमारा काउंटिंग जो है वह बाएं साइड से सही होगा और दाएं साइड से गलत होगा, और उसका नाम हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले हमने आपको बताया कि कार्बन का नाम लिख लेते हैं, जिस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है दूसरे, तो पहले यहाँ दो लिख दीजिए, उसके बाद हाइफन लगाइए, पूरी कार्बन कितनी कार्बन की संख्या गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, तो हमने पहले ही आपको बताया है कि पाँच कार्बन का नाम पेंट होता है, तो पेंट लिख दीजिए, बस प्लस लगाइए, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो आपको अगर डबल बॉन्ड मिलेगा तो क्या जोड़ेंगे, तीन जोड़ देंगे, तो इन जोड़ दीजिए, इसका नाम मिला के लिख दीजिए, टेंथ में इन जोड़ेंगे तो आपका नाम हो गया टू ट्वेंटी, क्या हो गया टू ट्वेंटी। इस प्रकार हम दिए गए कार्बनिक यौगिक में यदि डबल बॉन्ड आया हो तो इनका नामकरण इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए यदि आपको कार्बनिक यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड आया हो तो उस कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नेम हम कैसे लिखते हैं, तो नहीं है सब आसान ही है, आप सिर्फ समझना है, जिस प्रकार आप देखे हैं कि डबल बॉन्ड आया हो तो उसका नाम आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड आया हो तो उसका नाम पेड़ कैसे करते हैं, इसी प्रकार आप देखिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड आया हो तो उस कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नेम हम कैसे लिखते हैं। देखिए
देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ ये जो कार्बनिक यौगिक लिखा गया है इसका नाम क्या है और इसका आईपीएससी नेम हम कैसे लिखते हैं। अब देखिए इस कार्बनिक यौगिक में आपको एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब पहले नंबर आप देखिए कि कार्बनिक जो प्रत्येक कार्बन है चार बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं बना रहा है, नहीं तो हमारा यह कार्बनिक यौगिक ही लिखा गलत हो जाएगा। देखिए इस कार्बन को हम देखते हैं तो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, यही 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, यानी कि हमारा दिया गया जो कार्बनिक यौगिक है वह सही है। अब हम देखते हैं इसका नाम लिखने के लिए हमने आपको नियम बताया है कि पहले नंबर हम सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनते हैं, तो कार्बन की संख्या गिन लीजिए कितना है 1 2 3 4, यानी कार्बन की जो संख्या है मैक्सिमम 4 है। फिर हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका जो डबल बॉन्ड देख पड़े, तो काउंटिंग देखिए लेफ्ट साइड से करते हैं कि राइट साइड से करते हैं, जिधर से हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है जिधर से नजदीक पड़ेगा हम काउंटिंग उधर से ही करते हैं। देखिए पहले लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यदि हम काउंटिंग बाएं तरफ से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पर मिल रहा है। तीसरे नंबर पर देख काउंटिंग दाएं साइड से करके देखते हैं 1 2 3 4। अब देखिए जब काउंटिंग दाएं साइड से भी कर रहे हैं तो देख रहे हैं जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वह दूसरे ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कहने का मतलब हम चाहे बाएं साइड से करें या दाएं साइड से करें जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वह दूसरे ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी हम इसका आईपीएससी नेम अब देखिए कैसे लिखते हैं। तो पहले इसका आईपीएससी नेम बताएं कि उस कार्बन का नाम लिखते हैं जिस कार्बन से आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, तो पहले किस कार्बन से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ हाइफन लगाइए, हम फिर एक बार फिर आपको बता रहे हैं इसको आप माइनस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 हाइफन। अब कार्बन की संख्या कितने है 4, तो 4 कार्बन का नाम आपको हमने क्या बताया ड्यून, क्या बताया ड्यून। अब देखिए यहाँ कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है, आपको ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको क्या जोड़ना आयन जोड़ना है, क्या जोड़ना है आयन, तो अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा 2-butadiene। बस कुछ करना नहीं है, बस आपको यही ध्यान देना है कि आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इधर से आपका नजदीक पड़ रहा है उधर से आप काउंटिंग करेंगे, और आईपीएससी नेम लिखते समय क्या करना है आपको उस कार्बन का नाम लिख देना है जिधर से आपका डबल कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन का नाम लिख देना है, उसके बाद आपको देखना है कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो हम आप कार्बन की संख्या के बाद एन जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड है तो आप एन जोड़ दीजिए, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो आयन जोड़ दीजिए। चलिए एक एग्जांपल आपको और समझा प्रयास करते हैं चलिए अब देखते हैं आप कार्बनिक यौगिक दिया गया है उसका कहा जा रहा है आप आईपीएससी नेम लिखिए, तो पहले आप चेक कर दीजिए कि सही है कि नहीं, हर जगह कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं या कम नहीं है, तो नहीं तो आपका कार्बनिक यौगिक भी गलत हो जाएगा, तो क्या उसका नाम नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, किस कार्बनिक यौगिक में आपको डबल बॉन्ड दिया गया है तो हम काउंटिंग देखते हैं करते हैं कि जिधर से हमारे जिधर से हमारा डबल ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। पहले काउंटिंग हम लेफ्ट साइड से बाहर साइड से करते हैं, देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 यानी मैक्सिमम कार्बन की संख्या कितनी है 7। अगर हम बाएं साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वह तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है
अगर आप दाएं साइड से करें तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम यहाँ देखिएगा दाएं साइड से काउंट कर रहे हैं तो हमारा कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है वह आपको चौथे वाले कार्बन से मिल रहा है, यानी कि अगर आप दाएं साइड से करते हैं तो चौथे नंबर पे मिल रहा है, अगर दाएं साइड बाएं साइड से कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे मिल रहा है, यानी हमको हमारा जो काउंटिंग है वो सही रहेगा तीसरे दाएं बाएं साइड से करने में, क्योंकि इधर सबको नजदीक तीसरे नंबर पे मिल रहा है, अगर हम दाएं साइड से कर रहे हैं तो चौथे नंबर पे, इसलिए हमारा दाएं साइड से काउंटिंग जो होगा वह गलत होगा, इसकी काउंटिंग आपकी बाएं तरफ से सही रहेगी। अब इसका नाम लिखने के लिए हम क्या होता है कि पहले हम उस कार्बनिक कार्बन की नंबर यानी संख्या लिखते हैं जिस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ, तो हम देखते हैं इस कार्बनिक यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड जो है तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3 लिख दीजिए, उसके बाद हाइफन लगाइए, उसके बाद कार्बन की संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का नाम हेप्ट है, हेप्ट लिख दीजिए। अब ट्रिपल बॉन्ड आपको मिला है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या करेंगे, आइए प्लस आइए, तो इस कार्बन के लिए का नाम क्या होगा, 3 हेप्टेन। तो आपको यदि आपके किसी भी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो यदि आपको उसका आईपीएससी नेम लिखने को कहा जा रहा है तो आप इस तरह से इसका नाम लिखेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि यदि आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ना है, डबल बॉन्ड है तो एन जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ना है, बस यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में